कोविड वैक्सीनेशन में महारत हासिल करने के बावजूद भारत में कोरोना वायरस के संक्रमण के मामले 10,000 के ग्राफ से ऊपर ही हैं। यहां रोज अब भी 10,000 से ज्यादा नए मरीज मिल रहे हैं। मरीजों का सबसे ज्यादा पता केरल राज्य में चल रहा है। ये वही राज्य है जहां देश का पहला कोरोना मरीज मिला था। तकरीबन 2 साल बाद भी केरल कोरोना की सर्वाधिक मार झेल रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय की रिपोर्ट के मुताबिक बीते रोज देश भर में 11,466 नए मरीजों का पता चला है। वहीं 460 लोगों की जान गई है। इनमें बड़ी संख्या अकेले केरल राज्य से है जहां कोरोना के रोज 6,000 से ज्यादा नए मामले दर्ज किए जा रहे हैं। राहत की बात यह है कि देश भर में अब सक्रिय कोरोना मरीज 1.5 लाख के ग्राफ से नीचे आ गए हैं। देश भर में लोगों को वैक्सीन की अब तक 1,09,63,59,208 खुराकें दी जा चुकी हैं, जिसमें से कल ही के दिन 52,69,137 खुराकें दी गईं। वहीं अब तक कोरोना से ठीक होने वालों का आंकड़ा बढ़कर 3,37,87,047 पहुंच गया है, जिसमें से कल ही के दिन 11,961 लोग डिस्चार्ज किए गए हैं। सरकार का दावा है कि रिकवरी रेट बढ़ा है और अब ये 98.25% है। वहीं बात करें नए स्ट्रेन की ब्रिटेन, साउथ अफ्रीका और ब्राजील वेरिएंट के मामलों की, तो स्वास्थ्य विभाग के अनुसार पिछले बुधवार को 10 नए मामले, गुरुवार को 25 नए मामले, शुक्रवार को 10 नए मामले, शनिवार को 20 नए मामले, रविवार को 10 नए मामले, सोमवार को 10 नए मामले, मंगलवार को 5 नए मामले और बुधवार को 25 नए मामले सामने आए हैं, जिससे देश में संक्रमितों की संख्या 83,987 से 84,012 हो गई है। नए स्ट्रेन के कुल मामलों में रिकवरी लगभग 70% के करीब है और लगातार नए स्ट्रेन के मामलों में भारी कमी देखी जा रही है, कि जो कि राहत की बात है। कोरोना वायरस और कोरोना वैक्सीन से जुड़ी हर अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।